हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिजल्ट्स डेट को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। आपको बड़ी खुशखबरी है कि इस दिन आप लोगों को रिजल्ट आएगा, और आप लोगों के मन में भी है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, और एक्यूरेट मिलेगा, ठीक। और दोस्तों, यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर हम ऑथेंटिकेट और सही सही जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर आपका एजुकेशन वीडियो 10 की तैयारी, 9 की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। साथ साथ अब अगले वाला जो अभी झारखंड पॉलिटेक्निक आएगा, उसको लेकर भी हम लोग पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे मेटेरियल्स, ठीक है। तो यदि आप चैनल में है नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, काल का न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को मिला होगा न्यूज कि आप लोगों का रिजल्ट्स बनाने के फॉर्मूला तय हो गया। फॉर्मूला तय होने के बाद जेट बोर्ड ने अपने कमर कस लिया, जोरों शोरों से मैट्रिक इंटर्स रिजल्ट 2021 का प्रकाशित करने के जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। और आप सब जैसे जानते होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पहले ही बता दिए हैं और दिशा निर्देश जारी करके सभी डिपार्टमेंट को यह कह दिए कि हमारा रिजल्ट सीबीएसई का जिस दिन रिजल्ट देगा या उस आसपास एक दो दिन आसपास हम लोग भी रिजल्ट प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कल एक न्यूज़पेपर के माध्यम से कि हमारा सीबीएसई बोर्ड 31st यानी 31 जुलाई तक रिजल्ट प्रकाशित करने का डेट घोषित करके ये सुप्रीम कोर्ट को बता दिए हैं। तो हम लोग का भी आसपास ही लग रहा था कि 31 के आसपास लगे, लेकिन आज जैसे खबर आ रही है प्रभात खबर के माध्यम से कि आप लोगों का रिजल्ट 20 जुलाई तक, हाँ सही सुन रहे हैं, 20 जुलाई तक आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर हो सकता है 20 के आगे या पीछे एक दो दिन, लेकिन आप पूरा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों का रिजल्ट 20 तारीख को प्रकाशित किया जाएगा, या फिर एक दो दिन हो सकता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी कमर कस लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट 20 तारीख को आ रहा है, और अपने आप तैयारी में लग जाइए कि आगे आप लोगों को क्या करना है। रिजल्ट्स का चिंता मत करिए, ठीक है। और यह भी आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें यह भी आया है कि जो आपके शिक्षक 20 मार्क्स देंगे उनको अगले मंडे से यानी अगले सप्ताह से उनको दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि आप लोग एक सप्ताह के अंदर जल्दी से जल्दी बच्चों का मार्क्स एक पोर्टल तैयार कर रहा है, उस पोर्टल के माध्यम से जेट बोर्ड को भेज दे, और जो भी टीचर्स स्कूल इसमें भेजेंगे नहीं वो खुद जिम्मेदार होंगे रिजल्ट्स के प्रति, ठीक है।